वो कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया में अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो दुनिया पहले आपको गोल गोल घुमाता है, उसके बाद जाके आपको वो अचीव करवा देता है। लेकिन मार्केट में भी सेम रूल अप्लाई होता है। एक्सपायरी के दिन दोस्तों मार्केट आपको पहले गोल गोल घुमाएगा और आखिर में जाके प्रॉफिट देगा। जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं दोस्तों, डेफिनेटली जो आखिर में मोमेंटम दिया उसको हमने कैच किया, 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 12,000 से ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हो, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों 12:25 पे बोल दिया था 43,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल करने लग गया तो ही आपको बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। रीजन दोस्तों क्लियरली पिक्चर में है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं और यही रेजिस्टेंस अभी बनेगा। अगर इसके ऊपर गया तो भाई बाय कर लीजिए। और आखिर में देखिए दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही मेरे लेवल को ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने आराम से 120 पॉइंट मोमेंटम दिया धड़ाधड़। अगर आप हीरो जीरो भी प्ले करते तो यूं ही दोस्तों आपका पैसा 2 से 3 डबल हो जाता और लोग डेफिनेटली कमा के रखे हैं 2,000, 3,000, 4,000। तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन पे देखेंगे, वो भी दोस्तों 1 जून का ऑप्शन चेन में ये देख रहा हूं आपको, 1 जून का दोस्तों याद रखिए, यानी कि अगले हफ्ते का जो न्यू मंथ का कहीं ना कहीं एक्सपायरी आ रहा है उसका ऑप्शन चेन देखेंगे कि वहां पे क्या चल रहा है। क्योंकि आज के दिन डेफिनेटली डाटा बिल्डअप हुआ है और आखिर में जो शॉर्ट कवरिंग रैली हुआ है दोस्तों उसे देख के जोस में ऑलरेडी पुट राइटर 41 लाख आ चुके हैं। तो सब कुछ दोस्तों हिसाब किताब करेंगे। तो चलिए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दिन तो दोस्तों 87,000 हो ही जाना चाहिए, मुझे पता नहीं कैसे भी करके लेकिन हो ही जाना चाहिए। अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए और जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी जुड़ जाइए। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। देखिए कल का प्लान हमारा बहुत सिंपल रहेगा, नीट और क्लीन रहेगा। अगर कल के दिन एक कंडीशन में कल के दिन मार्केट नीचे जाएगा वो है दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट समझ लीजिए गैप डाउन खुल गया बड़ा सा, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद यानी कि 200 पॉइंट मान लेते हैं कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद दोस्तों 43,376 इस लेवल के नीचे अगर प्राइस एक्शन दिखाने लग गया तो ही आप सेलिंग के बारे में सोचिए, उससे पहले सेलिंग के बारे में मत सोचिए। इसके पीछे रीजन लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो 43,376 एक क्लियर कट सपोर्ट जोन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सच में, क्योंकि ये एक गोल्डन सपोर्ट लेवल है। अगर मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूं तो देखिए पहले तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, अगर आप इस प्लेस पे देखेंगे रेजिस्टेंस था, अगेन रेजिस्टेंस को यहां पे रेस्पेक्ट दिया। अब इसी रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए एक दिन कहीं ना कहीं यहां पे गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों नीचे आ गया और यही रेजिस्टेंस को यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, नीचे आया अगर आप देखेंगे अगेन यहां पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया। तो एक कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि एक पिन पॉइंट रेजिस्टेंस सॉरी अभी सपोर्ट बन चुका है, पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट है, इसी एरिया के आसपास आया फिर ऊपर चला गया। आज ही आप देख लीजिए मार्केट इतना नीचे आया डॉट इसी रेजिस्टेंस के आसपास लो लगाया और यहां से फिर ऊपर चला गया। तो यहां से ही आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। तो कल के दिन मार्केट अगर 43,376 के नीचे जाता है देन डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन खरीदेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों पहला कंडीशन। और मैं क्यों आपको कंडीशन दे रहा हूं कि कल के दिन गैप डाउन खुलना चाहिए, इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि जो लोग भी दोस्तों ये हमारा जो आज का रेजिस्टेंस था छोटा सा ये ब्रेकआउट देने पे यहाँ पे कॉल बाय करके गए हैं या फिर यहाँ पे अगर कॉल बाय करके गए हैं वो भी अगले हफ्ते का एक्सपायरी का, तो कल के दिन ऑब्वियसली बात है अच्छा मोमेंटम दिया तो होल्ड किए होंगे। तो कल के दिन अगर अचानक से गैप डाउन खुल गया तो इनका सारा स्टॉप लॉस दोस्तों इसी एरिया के आसपास होगा। तो कल के दिन नीचे अगर गैप डाउन खुल के पैनिक होने लग गया और नीचे आया मार्केट तो ही आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं बाइंग की बात करूं दोस्तों, बाइंग कब करना चाहिए तो वो है 43,746 इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन दिखने लग गया देन डेफिनेटली हम कॉल खरीदेंगे। इसके पीछे दोस्तों रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पे देख लीजिए 43,746 एक कहीं ना कहीं सपोर्ट है, यहां से मार्केट कंप्लीटली ऊपर गया नीचे आया, यहां से अगर आप देख कल की दिन की बात कर रहा हूं यहां पे कहीं ना कहीं टच किया फिर ऊपर गया, आखिर में आता थे ब्रेकडाउन कर दिया ये पॉइंट पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पे एक बार सपोर्ट बना, यहां पे सेकेंड टाइम सपोर्ट बना और इसी सपोर्ट को यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया, यानी कि यही सपोर्ट अब बन चुका है कहीं ना कहीं
रेजिस्टेंस। तो कल के दिन अगर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चालू किया देन डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं कॉल खरीदेंगे। 43,746 के ऊपर ही कल के दिन जाना चाहिए मार्केट, तो ही हम कहीं ना कहीं कॉल खरीदेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब जल्दी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, 43,679 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दें हमारा बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, इनका काम रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इनका काम सपोर्ट क्रिएट करना। एंड अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 43,700-600 इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं हमारा जो बैंक निफ्टी है वो क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखेंगे क्लोजिंग परफेक्ट 700 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है, तो कुछ खास कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि डाटा नहीं है, क्योंकि 43,500 पे देखेंगे 900,000 से ज्यादा कॉल राइटर, उसके ऊपर वाले अगर लेवल देखेंगे दोस्तों तो खाली खाली सा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि 43,700 पे 700,000, उसके ऊपर 500,000, उसके ऊपर तो ना के बराबर है। 43,900 पे देखिए 100,000, उसके ऊपर 100,000, फिर 800,000, 200,000, कुछ खास नहीं है दोस्तों। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे आ जाएगा, कॉल राइटर नहीं है, इसका ये मतलब है कि ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस का ताकत कम है, यानी कि मार्केट कल के दिन ऊपर जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं पुट राइटर का, ये देखिए 43,500 पे इसको बोलते हैं राइटिंग। अगर आप देखेंगे 1,000,000 से ज्यादा पुट राइटर अभी से आ चुका है, यानी कि 43,500 के लेवल पे पुट राइटर को कॉन्फिडेंस है, इसीलिए अभी से आके 1,000,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठ चुके हैं। कॉल राइटर तो है ही नहीं दोस्तों, कहने के 500,000, 200,000, 800,000 ऐसे कुछ हैं। तो कल के दिन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया तो इजीली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जल्दी देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी की, निफ्टी का क्या हाल चाल है। देखिए निफ्टी भी दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि कल के दिन पहला ट्रेड हमारा कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, गो विद द फ्लो होना चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए गो विद द फ्लो मतलब आज के दिन मार्केट कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे बहुत अच्छा मोमेंट दिया, कहीं ना कहीं 2:05 के बाद, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली था, ऑब्वियस सी बात है। तो कल के दिन इसी फ्लो में अगर आपको जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट या फिर लिटिल गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के दोस्तों यहां से अगर यू शेप बनाया, यानी कि मार्केट यहां पे खुला एंड देन थोड़ा सा और नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर आके आज का डे का हाई अगर ब्रेक कर रहा है, यानी कि 18,335 ये जो लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर अगर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे रहा है देन डेफिनेटली दोस्तों यहां से आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। ये हमारा रहेगा पहला ट्रेड, प्लान नंबर 1 रहेगा पहला ट्रेड। अगर कल के दिन मार्केट क्या हुआ फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन खुल के यू शेप बना के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो यहां से हम बाय करेंगे छोटा सा एसएल डाल के। ये फ्लो के साथ रहेगा कि आज अपसाइड मोमेंट दिया, कल फिर हाई ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ फिर मोमेंट देगा, ये एक पहला ट्रेड रहेगा। सेकंड ट्रेड दोस्तों अगर समझ लीजिए मार्केट गैपअप खुला, गैपअप खुल के ऊपर नीचे नाटक किया, फिर एक घंटे के बाद आधे घंटे के बाद अगर गैपअप खुल के ब्रेकआउट दे रहा है 18,386 को, तो भी आप कॉल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर आप देखेंगे दोस्तों ये कल का बना हुआ रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली 18,386 के ऊपर कहीं ना कहीं आप कॉल बाय कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड लेवल हो गया, सेकंड प्लान हो गया। प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 आपको समझ में आ गया। प्लान नंबर 3 अगर मैं बोलूं दोस्तों तो इसको थोड़ा आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। प्लान नंबर 3 भी बाइंग का है। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा ज्यादा ही गैप डाउन खुला और 18,278 से लेके 18,289 ये लेवल को टच किया, तो डेफिनेटली इसी पॉइंट से आपको कॉल खरीद लेना है। यहाँ अगर मार्केट गैप डाउन खुला और इस लेवल को आया और यहाँ पे अगर समझ लीजिए 15 में टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल इस टाइप का बन गया, देन डेफिनेटली दोस्तों इसी ग्रीन कलर का कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहां से आप कॉल खरीदिए। इसके पीछे भी रीजन लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे दोस्तों 18,278 से लेके 18,289 अगर आप देखेंगे कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस जोन था, आज के दिन लास्ट मोमेंट पे इसी रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट दिया एंड देन अप हुआ, तो यही रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन चुका है, तो यहां से आपको कल बाइंग ही देखने को मिलेगा। हाँ अगर कल के दिन गैप डाउन खुल के 18,278 के नीचे आने लग गया तो ही हमें कहीं ना कहीं सेल करना है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब जाते हैं ऑप्शन चेन पे। 18,335 के आसपास कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी जो है वो क्लोजिंग दिया है। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, एंड दोस्तों कहां पे क्लोजिंग दिया है 18,335। चलिए ठीक है, 18,335 मतलब लाइक निकल के आता है 18,300 से 350, ये रेंज निकल के आता है। तो अगर आप कॉल राइटर को देखोगे दोस्तों तो 18,300 पे 36,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर हैं, 18,350 पे 7,00,000 से ज्यादा, 18,400 पे दोस्तों 25,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं, उसके आगे खाली खाली सा है। यानी कि क्लियरली पता चल रहा है कि कल के दिन अगर 18,400 के ऊपर निकलना चालू करेगा जहां पे 25,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं, उसके साथ साथ 18,300 पे 36,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं, यानी कि 18,300 के ऊपर अगर कल के दिन खुला या फिर सस्टेन करना है तो बुलिस है। फुल बुलिस कब होगा, जब 18,400 लेवल को ब्रेक करेगा जहां पे 25,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मार्केट
ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं लाइक पुट राइटर का, तो पुट राइटर बहुत बढ़िया है, 18,200 के लेवल पर अगर आप देखेंगे 41 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली भी दोस्तों 18,200 देखिए ये लेवल निकल के आ रहे हैं, ये इतना लो कहाँ जाए कल के दिन, मार्केट थोड़ा डाउटफुल है, तो इसीलिए दोस्तों पुट राइटर यहाँ पे 40 लाख से ज्यादा कहने के पुट राइटर ये प्लेस पे बैठे हैं, जस्ट बिकॉज अब एक तो टेक्निकली भी एक सपोर्ट जोन है 41 लाख देखिए, और ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा फर्क कब नहीं आने के बाद थोड़ा चांसेस कम हो जाता है कि कल के दिन मार्केट नीचे जाए बोल के, इसीलिए दोस्तों 18,200 के नीचे ही पुट के बारे में सोचिए, उससे पहले सोचना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। See you.